टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 23 में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसके कोन की, ये पता लग गया हमें। मैक्सिमम क्या चीज दे रखी है, कोन का वॉल्यूम, या कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम लेके चलना है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोन का वॉल्यूम, एक लाइन से पता लग गया। आगे पढ़ते हैं, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो हमें एक बात तो यहां से पता लग रही है कि एक स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर गिवन है, उस स्फीयर का रेडियस हमें कैपिटल आर गिवन है, तो जो गिवन क्वांटिटी वो है रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या दिया हुआ है कैपिटल आर, और कैपिटल आर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या चीज हो गई, वो कांस्टेंट हो गया, ये बात क्लियर हो जाती है कि कांस्टेंट है वो। अब इस स्फीयर के अंदर क्या है, कोन है, तो स्फीयर के अंदर हमें कोन बना देते हैं, ठीक है, स्फीयर के अंदर कोन बना दिया, तो स्फीयर के अंदर जो कोन बनाया उसकी जो हाइट है वो ये जा रही, इस हाइट के ऊपर ही स्फीयर का सेंटर लाई करेगा, जिसको कि हमने ओ नाम दिया, और ये स्फीयर का क्या बन गया, रेडियस कैपिटल आर। इतनी बात समझ में आई सबको, कोन की जो हाइट है, अब बताओ कि स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर गिवन है और जिसको कि आपने कांस्टेंट बोल दिया, तो स्फीयर हमारा फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, स्फीयर फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जो कोन है अंदर, वो कोन हम छोटा बड़ा बना सकते हैं, मतलब कोन का वॉल्यूम क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होगा तो हमें क्या प्रूव करना है, वो देखो जरा क्वेश्चन के अंदर, वो इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें प्रूव करना है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, अगर कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम तो कुछ ऐसा होगा, वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है, तो कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने लिख लिया, पता क्या करना है वो भी लिख दिया, फिगर भी बनाई हमने एक यहां पर। अब आपको क्वेश्चन में लेके क्या चलना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेके क्या चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 πr²h, जिसमें कि स्मॉल आर और स्मॉल एच क्या है, कोन की हाइट और रेडियस। तो कोन की हाइट क्या है हमारे पास, स्मॉल आर और स्मॉल एच, और रेडियस क्या है इसका, स्मॉल आर। तो जो हमने एज्यूम किया इसको प्लॉट भी कर दिया, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया एबीसी। बोलो इतनी बात समझ में आई, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो कोन का वॉल्यूम लेकर चलेंगे। अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr²h, तो जो आर और एच है वो क्या है, दोनों वेरिएबल है। अब इस आर और एच को किस में कन्वर्ट करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, किसकी हेल्प से कन्वर्ट करना है, कैपिटल आर की हेल्प से कन्वर्ट करना है। कैपिटल आर फिगर में देखो कहां नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो आधी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, देखती क्वेश्चन लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, क्या नहीं पता, हाइट नहीं पता, देख लो हाइट, हाइट क्या है इसकी बताओ, ओडी, ओबी डिस्टेंस क्या है फ्रॉम ट्राइंगल ओबीसी, इस ओबीसी ट्राइंगल में सिंपल तरीका लगाना है, कभी भी नहीं करना कि देखो आप ध्यान से, ये रेडियस ही है, देखो ध्यान से, ये हमारा रेडियस है और ये टोटल हाइट थी एच, तो एच में से आर माइनस करेंगे तो ये वाली निकलेगा डिस्टेंस, कितना निकलेगा एच माइनस आर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई बात, ये निकालना पड़ेगा आपको फिगर में से ही। देखो आप क्या चाह रहे हैं, आप स्मॉल आर और स्मॉल एच को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल एच और स्मॉल आर में रिलेशन तो होना चाहिए कोई, तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर का स्क्वायर, एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई, अब बताओ जो हमारा फंक्शन है उसमें आर स्क्वायर और एच दो चीजें हैं, हमें इजीली वैल्यू किसकी रखने के लिए मिल जाएगी, आर स्क्वायर की या एच की, क्योंकि एच की वैल्यू निकालूंगा तो रूट में आएगी वो, और मैं फंक्शन को रूट में नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना चाहिए, इजीली वैल्यू किसकी रखी जा रही है, आर स्क्वायर की, तो इसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो इस फंक्शन में से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको आप बॉक्स में बंद करेंगे क्योंकि इसका एक नंबर है, वन मार्क आ गई ना गिवन क्वांटिटी, अब इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 π, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एच। बोलो यहां तक बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत, ठीक है।
क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे, हाँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 1/3 pi आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2hr और बाहर क्या है h, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया. अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करना है पहले. तो कैपिटल V की वैल्यू हो गई 1/3 pi क्या हो जाएगा 2h2r माइनस h क्यूब. ये बना हमारा वॉल्यूम फंक्शन. किसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम फंक्शन बन गया, किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में, r तो कॉन्स्टेंट है, किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में. ये चाहिए था. यहां तक आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है कोई भी, तो ये क्वेश्चन में अब आगे दिक्कत नहीं आने वाली कोई भी. बताओ इस जगह तक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट, फिर क्या करना है, जीरो के ऊपर रखना है ना, फिर फैक्टर बना के. हाँ, तो डी वी बाई किसके टर्म्स में करेंगे डिफरेंशिएट, एच के टर्म्स में. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एच, वैल्यू किसकी निकलेगी, एच की, ठीक है. तो 1/3 pi कॉन्स्टेंट है, करो डिफरेंशिएट एच के टर्म्स में, तो 2r कॉन्स्टेंट है, क्या आएगा 4hr है ना, एच स्क्वायर का 2r 2h हुआ बस, और इसका क्या होगा 3h स्क्वायर, करेक्ट. क्या करेंगे इसके बाद, कॉमन लेंगे, फैक्टर बनाते हैं, कॉमन लो इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो 1/3 pi h कॉमन आ गया, क्या बचेगा 4r माइनस 3h, करेक्ट. अब इसको जीरो रखेंगे, पुट dv / dh इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए. तो ये जाएगा 1/3 pi h ब्रैकेट 4r माइनस 3h इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से पता लगा कि ये h जो है ये जीरो हो सकता है या फिर 4r माइनस 3h जीरो होगा. बोलो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, h की वैल्यू निकाल रहे हैं. यहां देखो h की वैल्यू क्या निकल गई, क्या इस कोन की हाइट जीरो हो सकती है, जब कोन की हाइट जीरो हो जाएगी तो कोन रहेगा ही नहीं, यहां तो मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब h की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. तो यहां से h की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4r अपॉन 3, क्या निकल के आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट किसके टर्म्स में आया, r के टर्म्स में, r के टर्म में, r क्या चीज थी, गिवन क्वांटिटी, यही बोला था ना मैंने, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी वैल्यू हमेशा किसके टर्म्स में आएगी, गिवन क्वांटिटी टर्म में आएगी. बुक है सबके टेबल पर, आपको एक पेज नंबर बता रहा हूं, वो पेज नंबर निकालना, उस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, फिर वापस लौट के आओ. आप लोग पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 243 पर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो, 243 पेज पे क्वेश्चन 15 को पढ़ो, फिर आगे चलना है हमने. 243 को पेज क्वेश्चन नंबर 15, समझ में आ गई बात, यही क्वेश्चन है, जितना मैंने अभी तक प्रूव किया है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में सिलेबस का हो गया ना सॉल्व साथ में, लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ ये, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू 4/3 पे इसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा. तो डबल डेरिवेटिव निकाला नहीं अभी तक, तो डबल डेरिवेटिव निकाल दो नाउ. क्या निकालेंगे, d2v / dh स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो dv / dh है पहला वाला, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 1/3 pi r - वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करो इसको, कितना बचा ये, माइनस का 8r और प्लस का 4r, कितना हो गया 4πr अपॉन 3, कैसा आंसर आ गया, एट मैक्सिमम 4r अपॉन 3, इतनी बात समझ में आई. तो ये हमारे मिसलेनियस का क्वेश्चन 15 प्रूव यहां पर, लेकिन आप देखो ये क्वेश्चन 15 के आगे भी है कुछ, तो क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ाकर ये क्वेश्चन बनाया गया, तो एक ही क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बढ़ा सकते हैं आगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम निकल के आ गया. अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि उस मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल के दिखाओ, कि आपने मैक्सिमम वॉल्यूम तो बता दिया लेकिन कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम तो निकाल के दिखाओ. जब भी हम किसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे तो वो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, डिफरेंशिएट करने से जस्ट पहले वाला. आप देखो मैंने डब्बे में कौन कौन सी चीजें बंद की हैं, देखो अननोइंगली बंद होती जा रही हैं. एक नंबर मुझे यहां, मुझे एग्जामिनर को ये पार्ट दिखाना है कि यहां नंबर दो मुझको, इधर नंबर दो, वॉल्यूम पर नंबर दो, डेड डेड नंबर 6 नंबर सीधे जी बात को, आपको अननोइंगली उसको बताना है, गाइड करना है कि यहाँ चलो इधर चलो इधर चलो. तो जब आपकी पूरी कॉपी में इस तरीके से होगी ना सारे, तो वो अपने आप ही सेट नंबर निकलने लग जाएंगे हाथ से. फिर हेफाजेट मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना चाहिए. तो हमें बताया कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो यहां से निकलेगा, निकल आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम
वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू क्या है, वो है 1/3 पाई, क्या लिखा है, 2 स्क्वायर। समझ में ही बात। अब इसमें h की वैल्यू रख देंगे वाली, क्योंकि ये पूरा प्योर फंक्शन h के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर, h का स्क्वायर करो, 4r अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू r माइनस 4r अपॉन 3 का क्यूब। समझ में ही बात, वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे इसको। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 27 आ गया एलसीएम, और 27 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 96, 96 माइनस 64 32 आर क्यूब। समझे बात को, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, लेकिन अब ये नहीं आया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या लिखा है बाहर 8/27, क्या लिखा है यहां पे बाहर 8/27, तो 8 बाहर निकालो इसमें से, इसके अंदर से 8/27 निकालो, अंदर से ही आएगा 8/27 बाहर आ गया, 32 में से 8 आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम इसमें से 8/27 बाहर ले लेंगे तो 1/3 पाई अंदर चला जाएगा, अंदर क्या बचा 4r क्यूब, तो क्या बना 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका मतलब 8/27 ब्रैकेट में क्या बना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या चीज निकल के आ रही थी, मैक्सिमम वॉल्यूम, ये क्वेश्चन था, इसको प्रूव करना था आपको।